हेलो दोस्तों, आज का दिन जो है कुछ खास है। यहाँ पे रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग का बात कर रहा हूँ। एंड देखो क्या है, आज फेस्टिवल है। जो फेस्टिवल है कृष्ण जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका फेस्टिवल है। तो इसमें क्या है कि आप देख ही सकते हो, लेफ्ट राइट हर जगह बर्फ़ है, मतलब कि ठंड है प्रॉपरली, ठीक है ना। -10 चल रहा है आज। एंड आज के दिन जो है जो क्रिश्चियन होते हैं वो जो यहाँ पे लेक रहता है ना, वहाँ पे मतलब कि स्नान करते हैं, जैसे इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं ना स्नान, पंजाबी में मतलब कि जो ओपनली नहाते हैं यहाँ पे, मतलब कि वो नहीं साबुन सुबुन लगा के बस पानी के अंदर एक बार एंटर होके एग्जिट होते हैं। क्योंकि इस दिन जो रशिया का जो मेन प्रिंस था उसने जो मतलब कि रशिया ने जो क्रिश्चियन धर्म को अपनाया था इस दिन, ठीक है। तो इसलिए इस दिन मतलब कि सारे लोग जो हैं मतलब कि ओपन जो पानी रहता है वहाँ पे एक बार एंटर करके नहाते हैं, ऐसे ओपन एरिया में ठंडी जगह पे। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, मतलब बच्चे तो रियली मतलब बात फिर भी, ठीक है ना, तो एंटर होते हैं, नहाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा रहता है। एंड सारा सर्विस रहता है, एम्बुलेंस रहता है यहाँ पे, फायर ब्रिगेड से लेके हर चीज़ रहता है, ठीक है ना, और पुलिस भी रहता है। तो देखते हैं कैसा रहता है। दोस्तों हम लोग जो है थोड़ा पहले यहाँ पे एंटर हुए, जो मैंने आपको बताया था क्रिश्चियन जो मतलब कि स्नान करते हैं, ठीक है ना, पानी में एक बार डुबकी लगाते हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 12 बजे बोला कि हम लोगों को स्टार्ट होना, हम आधा घंटा पहले आए। तो साथ में होटल है ये, तो वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा जगह है, तो बच्चे अपना टाइम पास कर रहे हैं, आधा घंटा यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है ना, आधा घंटा 40 मिनट, उसके बाद जाएंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा क्या सिस्टम है और कैसे होता है, ठीक है ना। दोस्तों это карета реально настоящая карета моя भाई, ये रियान असली जो है जो रथ है जो रशियन प्रिंस वगैरह ने यूज किया। सुधा दी थी वहाँ पका जिस मंत्र, ये देखो इसकी ब्रेक्स देख रहे हो ना, वो जो मैं जहाँ पे मेरा पाल से उंगली है, ठीक है, ये इसकी ब्रेक है ओल्ड स्टाइल। और अगर फ्रंट पे देखूँ ना तो फ्रंट पे वाइट डिस्क ब्रेक लगी हुई है इस पे, देखो डिस्क ब्रेक, ये देखो डिस्क ब्रेक प्रॉपरली, ठीक है ना भाई लोग, बहुत सुंदर है ना भाई, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, मतलब गाड़ी से सुंदर लग रहा है भाई प्रॉपरली दिखाता हूँ, यहाँ पे बियांटिक पियानो पड़ा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर। दोस्तों देख सकते हो एम्बुलेंस वगैरह गाड़ियाँ सब कुछ खड़ा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, पुलिस वगैरह हर जगह पे खड़ी है, ठीक है ना। और जो स्कूबा ड्राइवर वगैरह रहते हैं, मतलब कि जो होते हैं ना, मतलब कि लोग अपना हेल्प करने के रिगार्डिंग, वो भी यहाँ पे है कि कोई पानी में गिर ना जाए भाई। यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, कॉफी एंड पता नहीं क्या और दे रहे हैं कुछ। Давайте вы меня ждите. भाई सब लोग जाएंगे अभी पानी में, देख रहे हो ना -10 टेम्परेचर, अभी पानी में नहा के इनको भाग के वापस आना है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, कैसे रहता है ना। बुजुर्ग देख लो सभी आएंगे, मतलब कि जो क्रिश्चियन धर्म को यहाँ पे मानते हैं वो सारे आएंगे भाई इतनी ठंड में नहाने जा रहे हैं सारे, देख रहे हो ना, ये अंकल जी नहा के आ गए अभी। ये सारा पानी है भाई, नीचे पानी है इसके,
जेली को नहीं खाती। तो पानी है भाई, ये सारा पानी ऊपर बर्फ जमा हुआ बस लेक के ऊपर। एक छोटा सा जगह बनाया जाता है ताकि सब कुछ सेफ रहे और साथ में लोग रहते हैं हेल्प करने के लिए, कहीं कोई पानी के अंदर ही ना चला जाए कहीं पर। कई बार होता है लोग चले जाते हैं अंदर, बाहर नहीं आते भाई। तो वन बाय वन करके खड़ी है भाई मेरे पास भी। मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, मेरे को वो पास खड़ी है मेरे दीदी दीदी तो है तू दा तिबे नहीं लीजा राम देश दा तुर के भाई। यहाँ पे चर्च की तरफ से जो म्यूजिक अब चल रहा है लोग देख ही सकते हो, बहुत से लोग आएंगे। ये रात के 12 एक बजे सब चलता रहेगा, यहाँ पे पुलिस रहेगा सारा दिन। चत मोहम्मद का बुद्धिम जिदाय चत मोहम्मद प्रेम दिल्ली को नहीं खरीदा दानिश का क्रशा ठंडा है भाई। ये देखो यहाँ पे रेत फेंक रहे हैं जमीन पे, कोई गिर ना जाए ठीक है ना, स्लिपन की वजह से कोई बुजुर्ग वगैरह कोई गिर ना जाए ना। यहाँ पे हर फैसिलिटी का भाई ध्यान रखा जाता है। और ये जो टेम्परेली लगे हैं जिसके अंदर कपड़े चेंज करने के लिए, एक आदमियों के लिए अलग से है, लड़कियों के लिए अलग से है। भाई सुबह सुबह का टाइम है अभी, और अभी लोग बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, बढ़ते जाएंगे ठीक है ना। -10 -15 कुछ ऐसा ज़्यादा हवा भी है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, फिर भी लोग स्नान करने आते हैं भाई, करते हैं ठीक है ना आज के दिन में ठीक है ना। बहुत से लोग आएंगे भाई, अभी सारा दिन चलता रहेगा, ये सारा दिन चलेगा। मामा सच प्रिय देश मामा पीरिया दिवाई तो देश था तामनी रजरिशी ना तिब्या ती मानचिक ती मानचिक तिब्या नी रजरिशी ना ताम ये दर स्मार्ट रेट को अरे कुछ लोग बोल के बोल रहे हैं इनको देखने में ही मतलब की ठंड लग रही है सही दम भाई। ये छोटा सा लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब की चाय और एक ब्रेड का ब्रेड दिया जा रहा है, मतलब ब्रेड में फिलिंग है। तो स्नान के बाद लोग यहाँ पे आते हैं गरम गरम कुछ ना कुछ यहाँ देखो कैसा रहता है। ये वैसे रेस्टोरेंट है भाई, रेस्टोरेंट ऊट का स्लीज में। ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, और ये अपना रजा है मतलब की फ्लैटेंस, ये तो टॉवल्स ठीक है ना। तो भाई ऐसा चलता है यहाँ पे सिस्टम,
ट्रक देख सकते हो, ट्रक के बाइक टायर भाई भाई स्नो वाले हैं, और एमचेस भाई एमचेस है रसिया, तो ये थोड़ा ध्यान से ये चाय भाई मेरे हाथ तो जम गए इसको शूट करते करते ये वीडियो, ठीक है ना। महान है लोग फिर भी, मतलब कि बुजुर्ग जो जाते हैं इतनी ठंड में, मतलब कि स्नान करते हैं चाहे एक मिनट का ये जो भी है, लेकिन हवा निकल जाती है भाई इसमें, ठीक है ना। और साफ सफाई चलती है, बर्फ़ की देखो हर वक्त चलती रहती है भाई हर वक्त। ये मतलब कि वो पैदल चलने वाला रास्ता होगा उसकी साफ सफाई कर रहे थे। अभी जल्दी से जाएंगे किसी गर्म जगह पे ताकि ठंड ना लगे। ये जो है अपना जो ब्रेड बोल सकते हैं इसमें फिलिंग, ये कपूस्ता का बंद गोभी का फिलिंग है एंड चाय खा के देखो भाई। अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। का कोई तू चूज तो मैं से पूछ रहा हूं कैसे तूने फीलिंग किया? रादिस्ट हैप्पीनेस बोल लिया। खलोद ने बिल नहीं लिया, ноги только ноги замёрзли, когда я назад бежала, у меня тапочки улетали, я бежала по снегу. Я ноги не чувствовала, как тапочки улетали. Бол ये कि जब वापस आई तो पाँव पे ठंड था प्रॉपरली, और चप्पलें जो था गिर गई रास्ते में, चप्पलें जो रास्ते में गिर गई और पैर मतलब कि फील करना बंद करके प्रॉपरली ज़मीन को, समझते हो ना, इतने में मतलब कि इतने ठंडे हो गए कि फील आना बंद हो जाता है। और अगर ऐसी कंडीशन थोड़ा सा और रहे ना 15-20 मिनट, तो जो आपका बॉडी का जो पार्ट है डेड हो सकता है भाई, इसको काटना पड़ सकता है।